आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको उकाब के रहस्य के बारे में बताने वाली हूँ। बाइबल में उकाबों का कई जगह वर्णन किया गया है, तो आज मैं बताऊंगी कि परमेश्वर उकाब पक्षी के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। उससे पहले प्रियो, कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आज के इस वचन के द्वारा हम सबको अपनी आशीष प्रदान करें, ताकि हम अपना जीवन आपके वचनों के अनुसार व्यतीत कर सकें और आपके राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, बाइबल में कई जगह पर उकाब पक्षी का जिक्र किया गया है और कई बार परमेश्वर ने इसराइल जाति को उकाब का उदाहरण दे देकर यह बताने का प्रयास किया कि वो इसराइल के लोगों की कितनी चिंता करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उकाब पक्षी से मिलने वाली महत्वपूर्ण शिक्षाओं को बताना चाहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का यह वचन आप सबके लिए आशीषमय होगा। सबसे पहले मैं आपको उकाब पक्षी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि यह एक प्रेरणादायक पक्षी है जिसे रोम और अमेरिका जैसे देशों में शक्ति, ताकत और अधिकार का प्रतीक माना जाता है और कई देशों के राष्ट्रीय झंडों में आप उकाब पक्षी के चित्र को देख सकती हैं। साथ ही कई देश उकाब पक्षी को अपने सिंबल के रूप में भी उपयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उकाब पक्षी आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी है। इसके पंख 2 मीटर से भी ज्यादा फैल सकते हैं। इसका वजन लगभग 7 किलो का होता है। उकाब पक्षी की आंखें और हवा में उड़ने की इसकी गति सबसे तेज होती है। इसकी आंखें इतनी तेज होती है कि यह अपने शिकार को 3 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और पलक झपकते ही उसे अपने मजबूत पंजों में जकड़ लेता है। और साथ ही इसकी चोंच भी काफ़ी मजबूत होती है जिससे यह अपने शिकार को आसानी से खा सके। और यही नहीं, यह अपने वजन से कई गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है। यहाँ तक कि उकाब पक्षी एक पूरा मेमना उठा सकता है। इस तरह हम देखते हैं प्रियो कि उकाब एक तेज, मजबूत और साहसी पक्षी है और कई बातें हैं जो हम इस पक्षी के माध्यम से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि हमारा परमेश्वर उकाब पक्षी की तरह हमें बचाता है। प्रियो, निर्गमन की पुस्तक के 19 अध्याय के 4 वचन में परमेश्वर मूसा से इस प्रकार कहते हैं कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। मैं तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। हम देखते हैं कि जब इसराइली मिस्र से निकले तब वे लाल समुद्र के पास आए जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और फिरौन की सेना इसराइलियों का पीछा कर रही थी ताकि वापस उन्हें गुलाम बना ले। तब इसराइली व्याकुल होकर घबराने लगे, लेकिन मूसा ने उन सब लोगों से कहा कि चुप रहो और खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और हम जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने उस समय इसराइलियों को मिस्र में से निकालने के लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। प्रियो, जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चों को संकट में देखकर तुरंत उनकी मदद के लिए आ जाता है, वैसे ही जब हम भी किसी संकट या मुसीबत में होते हैं तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है। यद्यपि संकट हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा हमें उनमें से निकालता है। पवित्र बाइबल में आप ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं जिनकी परमेश्वर ने संकट के समय सहायता की। दानियल का शेरों की मात से बचाया जाना, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का आग के भट्टे से बचाया जाना और इसराइलियों को कई बार परमेश्वर ने उनके शत्रुओं से छुड़ाया। भजनकार भी अपने भजन में इस प्रकार कहता है कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हाँ प्रियो, जब भी हम संकट में होते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं तब हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा हमें बचाता है और सुरक्षित स्थान में ले जाता है। वैसे ही प्रियो, हम सब मनुष्य पाप के बंधन में जकड़े हुए थे और शैतान के गुलाम थे। हम खुद को किसी भी तरह आज़ाद नहीं कर सकते थे। तब परमेश्वर ने हमारा उद्धार करने के लिए और हमें पाप और शैतान के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु को इस संसार पर भेजा, अर्थात स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए इस धरती पर मनुष्य का रूप लेकर आए।
और हमें पाप और शैतान के बंधन से छुड़ाकर आज़ाद किया है। हम जो बड़े संकट और क्लेश में थे, प्रभु परमेश्वर की कृपा से हमारा छुटकारा हुआ। प्रियो, हमारे परमेश्वर ने उकाब पक्षी की तरह हमारा छुटकारा किया है और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान की है। इसके बाद दूसरी बात जो हमें उकाब पक्षी से सीखने को मिलती है कि वह यह है कि परमेश्वर हमें उकाब पक्षी की तरह परिपक्व बनाता है। आपने देखा होगा कि उकाब पक्षी अपना घोंसला चट्टान पर काफ़ी ऊंचाई पर बनाता है और वहाँ अपने बच्चों को रखता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो अपने बच्चों को घोंसले में से नीचे गिराता है ताकि उसके बच्चे उड़ना सीख सके। और यदि कोई बच्चा उड़ नहीं पाता तो उकाब उस बच्चों को अपने पंखों पर उठा लेता है ताकि वो नीचे ना गिर जाए। आपने यह गीत तो सुना ही होगा, परम पिता की हम स्तुति गाए हैं, वो ही है जो बचाता हमें। इस गीत में एक अंतरा इस प्रकार है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे, पर ऊपर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता में। प्रियो, इस गीत का यह अंतरा व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 32 अध्याय और उसके 11 और 12 वचन से लिया गया है, जहां वचन में लिखा है कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चे के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यह वचन मूसा ने इसराइलियों के लिए परमेश्वर की महिमा में लिखा था। जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चों को घोंसले में से निकालकर उड़ाना सिखाता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें कठिन परिस्थितियों में से गुजरने देता है ताकि हम परिपक्व और दृढ़ हो जाएं। जब उकाब अपने घोंसले को हिलाकर अपने बच्चे को वहां से निकालता है और नीचे गिराता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो उनके साथ बड़ी क्रूरता कर रहा है और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, बल्कि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके बच्चे उसी घोंसले में रहेंगे और कभी उड़ना नहीं सीखेंगे। लेकिन वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके बच्चे अपने समय पर उड़ना सीख जाएं। प्रियो, कभी कभी परमेश्वर भी हमारे साथ कठोरता करता है, हमें ताड़ना देता है, हमारे जीवन में दुख मुसीबतों को आने देता है। और जब ये सब चीज़ें हमारे जीवन में होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता या उसने हमें छोड़ दिया है, बल्कि वो ऐसा इसलिए करता है ताकि हम अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर आए और प्रभु की सेवा कर सकें। प्रियो, कभी कभी परमेश्वर हमें अनुशासित करने के लिए और हमारे जीवनों में सुधार लाने के लिए तथा विश्वास में हमें मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ कठोरता का व्यवहार करता है, लेकिन उसकी कठोरता में भी उसका प्रेम होता है। जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चों को घोंसले में से निकालकर नीचे गिराता जरूर है, लेकिन यदि कोई बच्चा उड़ नहीं पाता तो उकाब उसे अपने पंखों पर उठा लेता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें कठिन परिस्थितियों में डालता जरूर है, लेकिन उसमें से निकलने में वो हमारी मदद करता है। इब्रानियों की पत्री के 2 अध्याय के 18 वचन में लिखा है कि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। और इसी के 4 अध्याय के 16 वचन में लिखा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। हमारी मुश्किलों और दुखों में हमारा परमेश्वर हमारी मदद करने और हमें सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए जब कभी आप मुश्किलों और तकलीफों में हों तो यह समझ जाइएगा कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है या आपके जीवन में कुछ सुधार लाना चाहता है। तीसरी बात प्रियो जो हम उकाब से सीख सकती हैं वो यह है कि उकाब अपने शिकार को 3 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब तक उसे अपने पंजों में दबोच ना ले तब तक अपनी नज़र अपने शिकार पर से नहीं हटाता। वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य की ओर अपनी नज़रें लगाए रखना है जब तक हम उसे प्राप्त ना कर लें। जैसे पौलुस अपने वचन में कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
पौलुस ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था और वो उसे पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ता जाता है ताकि वो उसे प्राप्त कर सके। प्रियो, उकाब जब अपने शिकार को देखता है तो वो उस पर अपनी नजरें लगाए रहता है और बिना समय बर्बाद किए वो उसे पकड़ भी लेता है। वैसे ही जब हम भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो बिना समय गवाए हमें उसे प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास शुरू कर देना चाहिए और अपनी नज़रों को अपने लक्ष्य पर से एक पल के लिए भी नहीं हटाना चाहिए। हमें अपना सारा ध्यान अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रित करना चाहिए। इसके बाद हम एक और बात उकाब के द्वारा सीख सकते हैं कि जब आंधी तूफान आते हैं या तेज हवाएं चलती हैं तो उकाब उन हवाओं का उपयोग और अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए करता है जहां दूसरे पक्षी तेज हवाओं और आंधी तूफानों में उड़ नहीं पाते हैं और छुपकर बैठ जाते हैं। वहीं उकाब उन तूफानों में भी और अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है। एक तरह से वो उन तूफानों से डरता नहीं बल्कि उनका उपयोग करके और ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इससे हम यह सीख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आए तो हमें डरना नहीं है बल्कि आनंद के साथ उनका स्वागत करना है और उन कठिन परिस्थितियों का उपयोग जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने के लिए ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए करना चाहिए। पौलुस रोमियो की पत्री के 5 अध्याय में यह कहते हैं कि हम दुखों में भी आनंदित होते हैं, यह जानकर कि दुख से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। प्रियो, यह बात तो पक्की है कि आपको आपके जीवन में परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको उन परीक्षाओं में घबराना नहीं है और ना ही डरना है बल्कि आपको उनका सामना करना है ताकि उन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर सको और जीवन में सफलता प्राप्त कर सको। एक तरह से आपको अपने जीवन की परीक्षाओं को सफलता का पायदान बनाकर आगे बढ़ते जाना है और ऊंचाइयों पर पहुंचकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। एक और बात प्रियो जो उकाब पक्षी से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमें उकाब के समान नया बनाता है। भजन संहिता के 103 अध्याय के 5 वचन में लिखा है कि वह तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाबों के समान नई हो जाती है। प्रियो, जब उकाब पक्षी के पंख पुराने हो जाते हैं तो उसके पुराने और कमजोर हो चुके पंख गिरने लगते हैं और उसकी जगह नए पंख उग जाते हैं। जब उसके पुराने पंख गिरते हैं तो उस समय के लिए उकाब थोड़ा बदसूरत दिखता है, लेकिन जब उसके नए पंख आ जाते हैं तब वह नई ताकत और सुंदरता से भर जाता है। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं तो पवित्र आत्मा हमें दिन प्रतिदिन नया बनाते जाता है। हमारे पुराने स्वभाव की कोई बात हमारे चरित्र में नहीं रहती। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में नई आत्मिक बातों को भरता जाता है ताकि हम आत्मिक रूप से ताकतवर और सुंदर बन सके। अंतिम बात प्रियो जो उकाब से सीख सकते हैं कि उकाब पक्षी को अपनी मृत्यु का कोई भी भय नहीं होता और जब वो मरता है तो मरने से पहले ही वो चट्टान पर जाता है और सूर्य की तरफ मुंह करके ही अपने प्राण त्यागता है, जो हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में मृत्यु से नहीं डरना है क्योंकि प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है और अब मृत्यु का राज हम पर नहीं होगा। प्रभु ने हमें अनंत जीवन देने का वादा किया है। साथ ही प्रियो, जब हम मौत के करीब हों तो उस समय हमें अपनी चट्टान को थाम कर रखना है जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है और उसी की तरफ अपनी नज़रें लगाए रखना है क्योंकि वही हमारी धार्मिकता का सूर्य है जो हमें अपने अनंत निवास में ले जाएगा। आशा करती हूँ प्रियो कि उकाब पक्षी पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।